नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशिकांत पंडित और आपका स्वागत है मूनस्टोन क्लासेस में। तो इस वीडियो में पर्टिकुलरली हम लोग क्लास 9 की ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 2 दैट इज फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया को हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा लेंथी है तो हम लोग इसको दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये पार्ट 1 है, ठीक है। और इससे पहले का जो चैप्टर था इंडिया साइज एंड लोकेशन, अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिंट कमेंट में मिल जाएगा। आप वहां से पहला वाला जो चैप्टर है ऑफ सोशल साइंस की ज्योग्राफी की चैप्टर नंबर 1 इंडिया साइज एंड लोकेशन वो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि वो बहुत बेसिक चीज़ें उसमें मैंने बताई है और वो आपके फर्दर जो ज्योग्राफी के क्लासेस होंगे उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, ठीक है। तो वो ज़रूर से ज़रूर वीडियो देखिएगा, फिर इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिएगा, ठीक है। और अगर अन्य वीडियोस देखना चाहते हैं सोशल साइंस में भी, हिस्ट्री हो गया, सिविक्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, एंड साथ ही साथ में जो और मैथ्स एंड साइंस के सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सारे ही आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं, वहाँ से आप अन्य वीडियोस भी देख सकते हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग क्या क्या टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, तो मेजर ये सारे टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के, ठीक है। जैसे कि हम लोग थोड़ी बहुत इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे फिजिकल फीचर्स के बारे में, फिर मेजर फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ जो कि इंडिया में प्रेजेंट है, द हिमालयन माउंटेन्स, द नॉर्दर्न प्लेन्स, द पेनिनसुलर प्लेटू, द इंडियन डेजर्ट, द कोस्टल प्लेन्स, द आइलैंड्स, ठीक है। तो ये सारे मेजर फिजियोग्राफिक डिविजन्स हैं। एंड लास्ट में कंक्लूसिव टॉपिक है कि हाउ दिस डाइवर्स फिजिकल फीचर्स आर यूजफुल फॉर इंडिया, तो ये वाला पार्ट भी हम लोग कवर करेंगे। लेकिन इस पर्टिकुलर पार्ट में, पार्ट 1 में हम लोग बेसिकली यही जो 3 मेजर फिजियोग्राफिक डिविजन्स, हिमालयन माउंटेन, नॉर्दर्न प्लेन्स एंड पेनिनसुलर इंडिया पर फोकस करेंगे। बाकी का जो पार्ट है वो आपको सेकेंड पार्ट में आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल हो किसी भी तरह से, तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में आ जाते हैं। तो फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, तो फर्स्ट वाला जो चैप्टर था इंडिया साइज एंड लोकेशन, उसमें मैंने डिटेल में समझाया था, है ना, कि इंडिया जो है वर्ल्ड का लगभग 2.4% एरिया ऑक्यूपाई करता है, ठीक है। और एरिया कितना है तो देखेंगे रफली, तो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर इतना एरिया है। इंडिया जो है 7th लार्जेस्ट कंट्री है एरिया वाइज में, है ना। तो इंडिया जो है काफ़ी काफ़ी बड़ा है, काफ़ी ज़्यादा डाइवर्स है, काफ़ी ज़्यादा रिच है ना। तो इंडिया इज अ वेरी वास्ट कंट्री विद वैरिड लैंड फॉर्म्स, और ऐसा कुछ ही ऐसे चुनिंदा कंट्री होंगे पूरे वर्ल्ड में अगर देखेंगे, जहाँ पर जितने भी मेजर फिजियोलॉजिकल या फिर जितने भी फिजियोग्राफिक फीचर्स हैं, है ना, प्रेजेंट ऑन अर्थ, वो सब कुछ आपको इंडिया में लगभग मिल ही जाएंगे देखने के लिए, ठीक है। तो वी आर ब्लेस्ड विथ ऑल सच फिजिकल फीचर्स ऑफ द अर्थ विच आर प्रेजेंट इन इंडिया। जैसे कि कौन कौन से फीचर्स आपको मिल जाएंगे, तो माउंटेन्स, है ना। तो आप अगर जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, ये सारी जगह में जाओगे तो आपको स्नो केप्ड माउंटेन्स मिलेंगे, है ना। कुछ कुछ ऐसे माउंटेन्स हैं जो 12 महीना वहाँ पर बर्फबारी होते रहती है, बर्फ जमा ही रहता है, पेरिनियल स्नो बाउंड माउंटेन्स। देन वी कम टू प्लेन्स एरिया, है ना। प्लेन्स जो कि बहुत ज़्यादा क्या है, फर्टाइल होता है, क्यों, क्योंकि प्रेजेंट ऑफ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एलुवियल सॉयल इन इट, है ना। तो काफ़ी ज़्यादा उसमें फर्टाइल है, एग्रीकल्चरल रिच है, और इंडिया उन चुनिंदा कंट्रीज में से है, टॉप 3 में मान सकते हैं, जहां पर सबसे ज्यादा परसेंटेज ऑफ फर्टाइल लैंड है ना। तो इंडिया हो गया, यूएसए हो गया, कुछ हद तक चाइना हो गया, ये सारी कंट्रीज ऐसे हैं जहां पर प्लेन्स, जहां पर एग्रीकल्चर के लिए बहुत सूटेबल सॉयल प्रेजेंट है, वहां पर एनवायरमेंट प्रेजेंट है, ठीक है। फिर साथ ही साथ में इंडिया में डेजर्ट्स भी प्रेजेंट है ना। तो डेजर्ट जैसे कि इंडिया का सबसे बड़ा डेजर्ट थार डेजर्ट आपको मिल जाएगा वेस्टर्न राजस्थान में। फिर प्लेटूस, जो इंडिया का मेजर फिजिकल जो फीचर है वो प्लेटूज में आ जाते हैं, ठीक है। तो इंडिया में प्लेटूज भी है, कुछ प्लेटूज जो डेक्कन में है, कुछ प्लेटूज आपके हिमालयन रीजन में भी है, जैसे लद्दाख भी एक प्लेटू है, ठीक है। तो वो सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे। आइलैंड है, कोस्टल सिटीज है, सब कुछ इंडिया में लगभग आपको सारे ही फिजिकल फीचर्स प्रेजेंट ऑन अर्थ हमें इंडिया में दिख जाएगा। तो वी आर ब्लेस्ड विद दिस, है ना। तो अगर हम लोग कंपैरिजन किया जाए तो जियोलॉजिकल जो पेनिनसुलर प्लेटू है विच कंस्टिट्यूट द एंशिएंट लैंड मासेस ऑफ द अर्थ सरफेस, क्योंकि वो जो है वो किसका, गोंडवाना लैंड का पार्ट हुआ करता था, है ना। तो अगर आपने जूनियर क्लासेस में टेक्टोनिक थ्योरीज पढ़ी होंगी, ठीक है, ज्योग्राफी में, वहां पर, या बिग बैंग थ्योरी के बारे में कुछ पता होगा तो पता होगा कि
कि किस तरह से कोलाइड हुआ और किस तरह से एक प्रेजेंट इंडिया बना, वो मैं इस वीडियो में नहीं बताना चाहता, नहीं तो काफ़ी लेंदी हो जाएगा वीडियो, ठीक है। तो अगर आपको इंटरेस्ट हो वो सब चीज़ जानने के लिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा कमेंट, मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो इट वॉज सपोज टू बी वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल लैंड ब्लॉक्स, है ना, जो पेनिनसुलर प्लेटू था, जो गुंडवाना लैंड हुआ करता था, वो ओल्डेस्ट भी था, है ना। और पूरे इंडिया में एट प्रेजेंट अगर देखे भी तो सबसे ओल्डेस्ट पार्ट जो है वो वही है, ठीक है। और उसे क्योंकि वो स्टेबल भी माना जाता है। और जो पेनिनसुलर प्लेटू इज कंपोज ऑफ इग्नियस मेटामॉर्फिक रॉक, मेजरली जो है इग्नियस रॉक है, क्योंकि वहाँ का वो वोल्केनिक ओरिजिन से बना हुआ है, ठीक है, तो वैसा है। एंड विथ जेंटली राइजिंग हिल्स एंड वाइड वैलीज, ठीक है, तो हिल्स भी है वाइड वैलीज भी है। जो यहाँ पर पेनिनसुलर प्लेटू में जो वैलीज होती है ना, वो कुछ हद तक यू शेप की होती है, ठीक है, एंड राइजिंग हिल्स। लेकिन वहीं अगर कंपैरिजन किया जाए हिमालयंस एंड द नॉर्दर्न प्लेन्स का, तो दीज आर द मोस्ट रीसेंट लैंडफॉर्म। अगर पेनिनसुलर प्लेटू के कंपैरिजन में किया जाए तो हिमालयंस एंड नॉर्दर्न प्लेन्स आर मोस्ट रीसेंट लैंडफॉर्म्स, ठीक है, क्योंकि ये यूरेशिया का पार्ट हुआ करता था, ये गोंडवाना लैंड का पार्ट हुआ नहीं करता था, ठीक है। तो फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ जियोलॉजी हिमालयन माउंटेन्स फॉर्म ए अनस्टेबल जोन, क्योंकि ये अभी भी फॉर्म हो रहा है, ये काफ़ी ज़्यादा यंग है, तो ये काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल है इन कंपेरिजन टू पेनिनसुलर प्लेटू। इसीलिए आप देख सकते हैं जो हिमालयन या द नॉर्दर्न प्लेन वाले एरियाज हैं वहाँ पर जो अर्थक्वेक के चांसेस होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन्स हैं, है ना। वहाँ पर अगर अर्थक्वेक भी अगर वो मान लेते 3 पॉइंट रिक्टर स्केल पे भी आ जाए या उससे ज़्यादा भी आ जाए तो काफ़ी ज़्यादा डैमेज होता है हिमालयन इकोसिस्टम में। लेकिन अगर वही पेनिनसुलर प्लेटू में आए तो उतना ज़्यादा डैमेज नहीं होगा, क्योंकि वो इकोलॉजिकली उतना ज़्यादा सेंसिटिव नहीं है एज कम्पेयर टू हिमालयस, ठीक है। द होल माउंटेन सिस्टम ऑफ हिमालय रिप्रेजेंट अ वेरी यूथफुल टोपोग्राफी विथ हाई पीक्स, डीप वैलीज एंड फास्ट फ्लोइंग रिवर्स, है ना। तो उसमें जो वैलीज होती है वो वी शेप की होती है पेनिनसुलर जो हिमालयंस में, लेकिन पेनिनसुलर प्लेटू जो वैलीज होती है वो यू शेप की होती है। तो ये कुछ कुछ डिफरेंसेस हैं। फास्ट फ्लोइंग पेरिनियल रिवर्स होते हैं क्योंकि वो हिमालय से जितने भी स्नो कवर्ड माउंटेन्स हैं वहाँ से वो फ्लो होती है, तो पेरिनियल होती है, सदाबहार होती है। द नॉर्दर्न प्लेन्स आर फॉर्म्ड ऑफ एलुवियल डिपॉजिट, तो इसीलिए ये काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल है, और फर्टाइल है तो एग्रीकल्चर ज़्यादा होता है, एग्रीकल्चर ज़्यादा हुआ तो ऑब्वियसली ह्यूमन पॉपुलेशन जो है वो काफ़ी डेंसली पॉपुलेटेड होती है इन दिस रीजन्स, है ना। तो ये मेजर आपको समझ आ चुका होगा ब्रीफ इंट्रोडक्शन जो हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। और एक मैप है, काफ़ी इंपॉर्टेंट मैप है, क्योंकि इस चैप्टर से आपको मैप वर्किंग के लिए बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो ये मैप एनसीईआरटी बुक में दिया गया है, काफ़ी डिटेल में है, और अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आपके जो एटलस बुक होती है, आप अगर नहीं है तो ऑक्सफोर्ड की एटलस खरीद लीजिए, सबसे बेस्ट बुक है एटलस के टर्म्स में वहाँ से। और एटलस इज मस्ट, अगर आपको मैप के बारे में क्लियर होगा तो आपकी आधी ज्योग्राफी तो आसानी लगेगी, ठीक है। तो अगर मैप क्लियर है तो आधी ज्योग्राफी बहुत आसान लगेगी। और एटलस बुक को ज़रूर पढ़िए, ठीक है, उसको समझिए, देखिए, उसके बाद इंटरेस्ट आइए, आपको ज्योग्राफी बहुत आसान लगेगी, ठीक है। तो ये मैप काफ़ी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैपिंग में, ठीक है। तो देख सकते हैं अगर नॉर्दर्न वाला पार्ट जो है वो हमारा क्या है, हिमालयन है, जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, तिब्बत, नेपाल, भूटान से लगा, वो सारे ये हिमालयन रीजन है ना। उसके नीचे हम लोग आ जाते हैं जो है मेनली नॉर्दर्न प्लेन्स रीजन है, ठीक है, नॉर्दर्न प्लेन्स। फिर नॉर्दर्न प्लेन्स के बाद में इधर में आ जाएगा ग्रेट इंडियन डेजर्ट्स हैं, तो ये सारे क्या है, फिजिकल फीचर्स हैं अलग अलग। फिर उसके नीचे अगर हम लोग आ जाते हैं तो डेक्कन प्लेटू मिल जाएगा, ठीक है। डेक्कन प्लेटू के साथ साथ हमें कोस्ट मिल जाएंगे, वेस्टर्न कोस्ट, ईस्टर्न कोस्ट, और ईस्टर्न कोस्ट के नाम कौन कौन से हैं, जैसे कि ईस्टर्न कोस्ट में कोरोमंडल कोस्ट बोला जाता है, फिर नॉर्दर्न सरकार्स जो ओडिशा वाले रीजन में, फिर कोंकण कोस्ट, मालाबार कोस्ट, ये सारे कोस्ट हैं। फिर दो हमारे इंपॉर्टेंट आइलैंड ग्रुप्स हैं, एक है लक्षद्वीप आइलैंड्स एंड सेकेंड इज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। तो ये सब कुछ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपको सारे प्लेटूज रीजन, बहुत सारे रेंजेस, इन सब के मैप्स के बारे में पता होना चाहिए, कौन सा रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होता है, तो ये बेसिक चीज़ें आपको क्लियर होना चाहिए। तो इसीलिए मैप इज़ अ मस्ट फॉर दिस चैप्टर एज वेल एज होल ज्योग्राफी के लिए, मैप इज़ वेरी वेरी एसेंशियल, ठीक है। तो इस मैप को और एटलस बुक के मैप्स को भी बहुत अच्छे से पढ़िए।
ठीक है, तो आपको ये चैप्टर बहुत इजी लगने लगेगा। ठीक है, तो अब हम लोग मेजर जो फिजिकल फीचर्स में है उसमें सबसे पहले हम लोग आएंगे वह है द हिमालयन माउंटेन्स के बारे में। ठीक है, तो इट इज ज्योग्राफिकली यंग एंड स्ट्रक्चरली फोल्डेड माउंटेन्स। ठीक है, तो जो हिमालयन रेंज है, ठीक है, तो हिमालयन रेंज में जो माउंटेन्स आते हैं उसी को बेसिकली हिमालयन माउंटेन्स बोलते हैं, क्योंकि हिमालयन माउंटेन्स जो है वो आपको लगभग ये पामीर नॉट है। ठीक है, पामीर नॉट से ही लगभग सारे जो रेंजेस हैं, जैसे देख सकते हैं कुल्लून माउंटेन जो कि तिब्बत वाले रीजन में जाता है, फिर हिंदू कुश जो कुछ हद तक पाकिस्तान और अफगानिस्तान की तरफ चल जाता है, और इधर में साउथ में तरफ आएंगे तो नेपाल भूटान इंडिया के तरफ में आपको हिमालयन माउंटेन रेंजेस आ जाएंगे। कुछ माउंटेन रेंज जो है वो सेंट्रल एशियन कंट्रीज के तरफ भी चल जाता है। तो ये पामीर नॉट काफ़ी इंपॉर्टेंट रीजन है और यहाँ से ही हिमालयन रेंज जो है वो स्टार्ट होता है। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा जियोलॉजिकली यंग है। ठीक है, एंड ये किस टाइप ऑफ माउंटेन है, तो दिस आर फोल्ड माउंटेन्स। ठीक है, तो माउंटेन्स के कैटेगरीज में भी आप पढ़े होंगे, तो दिस आर कॉल्ड फोल्ड माउंटेन्स, है ना। बहुत सारे अलग अलग टाइप्स ऑफ माउंटेन होते हैं, रेसिडुअल माउंटेन्स, कुछ वोल्केनिक ओरिजिन से बनते हैं, लेकिन ये फोल्ड माउंटेन्स है। और धीरे धीरे क्या हो रहा है, क्योंकि ये जो ये गोंडवाना लैंड है वो यूरेशियन लैंड के साथ टकरा रही है, तो धीरे धीरे ये जो माउंटेन्स की हाइट जो है ना हर ईयर कुछ ना कुछ सेंटीमीटर इसकी इंक्रीज होती रहती है। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा यंग है, काफ़ी ज़्यादा इकोलॉजिकली सेंसिटिव है, और ये देख सकते हैं अगर पॉलिटिकल वाइज देखा जाए तो ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान वाले रीजन से स्टार्ट होता है, और इधर में ईस्टर्न साइड में हमारा अरुणाचल प्रदेश जो कि म्यांमार और चाइना के साथ में बॉर्डर शेयर करता है। द रेंज रन्स फ्रॉम वेस्ट, जो कि अगर रिवर्स के कंटेक्स्ट में बताया जाए तो रिवर जो वेस्टर्न मोस्ट रिवर होगा हिमालयन रेंज में होगा इंडस रिवर, एंड ईस्टर्न में होगा वो ब्रह्मपुत्र। और ब्रह्मपुत्र भी स्पेसिफिक अगर बोला जाए तो ब्रह्मपुत्र के जो ट्रिब्यूटरी है दिहांग रिवर जो कि अरुणाचल प्रदेश में, वो सबसे सटीक होगा। ठीक है, और इसकी जो डिस्टेंस है वो लगभग 2400 किलोमीटर्स है लंबाई। ठीक है, रिप्रेजेंटिंग द लॉफ्टियस्ट पीक्स इन द वर्ल्ड। और इस हिमालयन रेंज में जितने भी वर्ल्ड के सबसे टॉलेस्ट लार्जेस्ट अगर बोला जाए जो माउंटेन्स पीक्स है वो आपको सारे ही इसी हिमालयन रेंज में ही मिल जाएंगे। ठीक है, द विथ जो है, विथ कितना वैरी करता है, तो विथ वैरीज फ्रॉम 400 किलोमीटर इन कश्मीर टू 150 किलोमीटर इन अरुणाचल प्रदेश। तो वेस्टर्न बॉर्डर जो है वो वहाँ पर हिमालयन माउंटेन्स की रेंज जो है वो काफ़ी ज़्यादा चौड़ी है, इन कंपेरिजन टू अरुणाचल प्रदेश में उतनी ज़्यादा नहीं है। ठीक है, ऑल्टीट्यूडनल वेरिएशन इज ग्रेटर इन द ईस्टर्न हाफ देन दोज इन द वेस्टर्न हाफ। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, तो जो वेस्टर्न पार्ट ऑफ हिमालयन रेंजेस है स्पेशली कश्मीर उत्तराखंड वाले रीजन में, वहाँ पर जो माउंटेन्स पीक है ना वो मोर और लेस काफ़ी ज़्यादा सेम हाइट के हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नज़र नहीं आएंगे। लेकिन वही अगर ईस्टर्न पार्ट में देखा जाए कुछ माउंटेन्स काफ़ी ज़्यादा ऊंची है, कुछ बहुत छोटी है, तो इसीलिए कहा जा रहा है कि ऑल्टीट्यूडनल वेरिएशन जो है वो ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में ज़्यादा है, बट वेस्टर्न पार्ट ऑफ द हिमालयस में ऑल्टीट्यूडनल वेरिएशंस नहीं है, क्योंकि मोर और लेस माउंटेन्स की जो हाइट है वो मोर और लेस सेम रह रही है। ठीक है, तो यह इसका मतलब होता है। फिर लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन ऑफ हिमालयंस बहुत इंपॉर्टेंट है ये, है ना। तो तीन हिस्सों में डिवाइड किया गया है, द ग्रेट और द इनर हिमालय, जिसका दूसरा नाम है हिमाद्री। ठीक है, ग्रेट एंड द इनर हिमालयस कहते हैं, तो सबसे इनर मोस्ट में है ग्रेट और इनर हिमालयस हिमाद्री, फिर सेकंड में है द लेसर हिमालय और हिमाचल, एंड द थर्ड इज द शिवालिक या फिर आउटर हिमालयस भी इसको कहा जाता है। ठीक है, आउटर्स हिमालय, तो ये तीन को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे द ग्रेट और द इनर हिमालयस और द हिमाद्री के बारे में डिस्कस करेंगे। ये जो है ये नॉर्दर्न मोस्ट रेंज है, सबसे ऊपर में यही आता है, और इसको एंड मोस्ट कंटिन्यूअस रेंज कंसिस्टिंग ऑफ द लॉफ्टीएस्ट पीक, और ये काफी ज्यादा कंटिन्यूअस है। यहाँ पर कुछ कुछ पासेस है ना, सिपकिला नाथुला ऐसे पासेस के बारे में आपने सुना होगा, आपके एटलस बुक में सब पासेस का नाम भी दिए होंगे, और पासेस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आपको पता रखने के लिए कि कौन सा किस कौन से एरियाज को लिंक करता है। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा कंटिन्यूअस है, और इसमें जो एवरेज हाइट होती है माउंटेन पीक्स की वो लगभग 6000 मीटर है। ठीक है, तो देख सकते हैं कितना ज़्यादा यहाँ पर हाइट है, 6000 मीटर बहुत ज़्यादा होती है, मतलब आप मतलब खड़े हो जाइए ओपन ग्राउंड पर और नजर देखिए ऊपर 6 किलोमीटर्स।
तो देख सकते हैं 6 किलोमीटर काफी ज्यादा हाइट होती है, ठीक है। इट कंटेन्स ऑल द फेमस पीक्स, द फॉल्स आर एसिमेट्रिकल इन नेचर, ठीक है। सारे पीक्स देख सकते हैं, माउंट एवरेस्ट जो सबसे लॉन्गेस्ट है हाइट में, ठीक है, वो नेपाल में प्रेजेंट है बेसिकली, 8848 मीटर्स, है ना, तो 9 किलोमीटर के आसपास मान के चलिए। कंचनजंगा जो इंडिया में है, फिर माकालू, धौलागिरी, नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा, नंदा देवी, कामेट, नामचा बरवा, है ना, तो ये सारे जितने भी पहाड़ इंपॉर्टेंट बहुत ऊंचे ऊंचे फेमस पीक्स आपको मिल जाएंगे। और द फोल्ड्स आर काफी एसिमेट्रिकल इन नेचर, ठीक है, कोई सिमेट्री नहीं है, जैसे इस माउंटेन की रेंज देख सकते हैं, कहीं पे सिमेट्री कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो काफी डिफिकल्ट भी होती है इस पे चढ़ाई करना, है ना, तो इसको हाइक करना भी काफी ज्यादा बहुत नेक्स्ट इम्पॉसिबल टास्क हो जाता है, इसीलिए हर एक इंसान हाइक नहीं कर पाएगा ऐसे माउंटेन पीक्स को, ठीक है, क्योंकि एक तो ऑक्सीजन लेवल कम है, फिर हमेशा ही स्नो से ढका रहता है 12 महीना, ठीक है, तो ये ऐसे कंडीशंस में बहुत डिफिकल्ट हो जाता है हाइक करना। द बेसिक पार्ट ऑफ द हिमालयस इज कंपोज्ड ऑफ ग्रेनाइट, ठीक है, तो बेसिक जो पार्ट है वो ग्रेनाइट स्टोन की बनी हुई है, इट इज पेरिनियली स्नो बाउंड एंड अ नंबर ऑफ ग्लेशियर्स डिसेंड फ्रॉम दिस रेंज, है ना, तो पेरिनियली स्नो बाउंड मतलब ये 12 महीना चाहे ठंडी हो गर्मी हो कहीं पे भी इंडिया में यहाँ पर हमेशा स्नो बाउंड होता है। आपने सियाचिन ग्लेशियर्स के बारे में सुना होगा जो कि नॉर्दर्न मोस्ट फ्रंट लाइन है ना, जो इंडिया पाकिस्तान और चाइना के बीच में है, तो वहां पर ग्लेशियर्स भी है, सियाचिन ग्लेशियर्स, तो बहुत सारे ऐसे ग्लेशियर्स हैं, तो देख सकते हैं आप, हम लोग पोल रीजन में नहीं है फिर भी ग्लेशियर्स प्रेजेंट है, सो हाउ मच वी आर ब्लेस्ड, है ना, तो ग्लेशियर्स हमें मिल जाते हैं जो कि एक फ्रेश वाटर के सोर्स है ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स को जानना, ठीक है, तो ये मैप के थ्रू आप समझेंगे तो बहुत ज्यादा आपको इंटरेस्टिंग भी लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है द लेसर हिमालय, और नोन एज मिडिल हिमालय भी कहा जाता है कभी कभी, इसको हिमाचल कहा जाता है, ठीक है, ये मिडिल में पड़ जाता है। इट लाइज साउथ ऑफ द हिमाद्री, फॉर्म्स द मोस्ट रगेड माउंटेन सिस्टम, मोस्ट रगेड माउंटेन सिस्टम ये है, काफी ज्यादा सख्त स्टेबल कह सकते हैं इसको, है ना, रग्ड माउंटेन्स, काफी ज्यादा रॉकी कह सकते हैं। इट इज मेनली कंपोज्ड ऑफ हाईली कंप्रेस्ड एंड ऑल्टर्ड रॉक्स, तो मैं जैसे कह रहा था काफी ज्यादा इसमें पथरीला है, हाईली कंप्रेस्ड एंड ऑल्टर्ड रॉक्स प्रेजेंट होते हैं। द हाइट जो है, एवरेज हाइट जो है वो 3700 के मीटर से 4500 किलोमीटर्स के रेंज में आता है, एंड एवरेज जो विड्थ है लगभग 50 किलोमीटर के है, तो देख सकते हैं हाइट काफी ज्यादा डिक्रीज हुई है, लेकिन ये भी जो हाइट है काफी बहुत होती है हाइट, ठीक है। एंड द लॉन्गेस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रेंजेस जो आ जाते हैं इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी रेंज में आपके जो कश्मीर वैलीज है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट हिमाचल के है, वो सब कुछ आ जाते हैं इसी वैलीज में, ठीक है। द पीर पंजाल रेंज, द धौलाधर एंड द महाभारत रेंज, ये काफी इंपॉर्टेंट रेंजेस के नाम है, ठीक है, तो ये प्रेजेंट किस में है, तो हिमाचल या फिर मिडिल हिमालयस में प्रेजेंट है। फेमस वैलीज जो है कश्मीर हो गया, कांगड़ा, कुल्लू, जो कि हिमाचल प्रदेश में, ये सारे प्रेजेंट है, बहुत सारे हिल स्टेशन प्रेजेंट होते हैं। तो वैलीज आपको अगर नहीं पता है तो दो माउंटेन रेंज के बीच में जो एरिया होती है उसको हम लोग बेसिकली वैलीज कहते हैं, तो यहाँ पर जो वैलीज होती है कुछ हद तक वी शेप की होती है, इसकी जो स्लोप होती है ना काफी तीखी स्लोप होती है ना, ठीक है, तो ये वी शेप की होती है, लेकिन अगर आप पेनिनसुला में देखेंगे, मैं जब पढ़ाऊंगा तो उसमें यू शेप की होती है, ठीक है, तो स्लोप जो होती है वो काफी ज्यादा उतनी स्लोपी नहीं होती है, ठीक है। ऑल्सो बहुत सारे हिल स्टेशन भी प्रेजेंट है, तो ये हो गया हमारे लेसर हिमालयास या फिर हिमाचल के बारे में। फिर थर्ड जो है वो है आउटर मोस्ट हिमालयास, ठीक है, इसको बोलते हैं द शिवालिक्स, ठीक है, तो स्पेलिंग कहीं कहीं पर शिवालिक भी लिखा होता है, शिवालिक भी है, तो कंफ्यूजन मत होइएगा, दोनों ही सेम है। दिस इज द आउटर मोस्ट रेंज ऑफ हिमालयस, इट एक्सटेंड विथ जो है 10 से 50 किलोमीटर है ना, हाइट वेरिंग 900 से 1100 मीटर्स के बीच में, बहुत ज्यादा हाइट यहाँ पर नहीं है, ठीक है। इट इज कंपोज्ड ऑफ अनकॉन्सोलिडेटेड सेडिमेंट्स ब्रॉट डाउन बाय द रिवर्स फ्रॉम द मेन हिमालयन रेंजेस, ठीक है, तो ये अनकॉन्सोलिडेटेड सेडिमेंट्स, और ये काफी ज्यादा जो प्रोन हो जाते हैं, काफी ज्यादा इकोलॉजिकली सेंसिटिव है, ठीक है, बहुत ज्यादा ये स्ट्रांग नहीं होता है ये रेंज। द वैलीज आर कवर्ड विद थिक ग्रेवल एंड एलुवियन, तो
तो यहाँ पर कुछ हद तक एल्यूवियल सॉयल जो है एल्यूवियल वहाँ पर आ जाती है, तो यहाँ पर कुछ हद तक फार्मिंग एग्रीकल्चर होती है। तो इस वाले रीजन में आपको ग्रीनरी जो है, वेजिटेशन जो है, फॉरेस्ट कवर जो है वो आपको ज़्यादा मिल जाएगा एज कम्पेयर टू जो बाकी जो दो हिमालयस के रेंजेस हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा बहुत आपको ग्रीनरी ज़्यादा मिलेगा। फिर द लॉन्गिट्यूडनल वैली, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, द लॉन्गिट्यूडनल वैली लाइंग बिटवीन द लेसर हिमालय एंड द शिवालिक आर नोन एज डूम्स, ठीक है। तो आपने सुना होगा देहरादून, कोटली दून, पोटली दून, एटलीस्ट देहरादून तो सुना ही होगा। तो ये वैसा रीजन होता है, दून आर बेसिकली दोज लॉन्गिट्यूडनल वैलीज जो कि लाई करते हैं बिटवीन द हिमालयस, लेसर हिमालयस, ये मान लीजिए लेसर हिमालयस है हिमाचल जिसको बोलते हैं, और जो शिवालिक है, तो शिवालिक और हिमाचल के बीच में जो एरिया पड़ जाता है उसको बेसिकली दून्स कहा जाता है। तो बहुत सारे दून्स हैं, देहरादून, कोटली दून, पटली दून, है ना। तो आपने कभी देहरादून गए होंगे तो वहाँ पर आपको ग्रीनरी, फॉरेस्ट जो है, फॉरेस्ट कवर काफ़ी ज़्यादा मिल जाएगी, ठीक है। तो ये प्रेजेंट ऑफ ड्यू टू एलुवियन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हिमालयस डिविजन्स ऑन द बेसिस ऑफ रीजन्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, दैट इज डिविजन मेड बाय द रिवर वैलीज, ठीक है। तो अब तीन रेंजेस के बारे में तो हम लोग पढ़ लिया, हिमाद्री, हिमाचल एंड शिवालिक्स। अब हम लोग पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ हिमालय को किस तरह से डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिवर्स के ऊपर से, ठीक है, रिवर वैलीज के ऊपर से। तो बेसिकली चार टाइप्स के ही है, ठीक है। उसमें से सबसे पहला है पंजाब हिमालयस, ठीक है। तो द पार्ट ऑफ हिमालयस लाइंग बिटवीन द इंडस एंड सतलज, ठीक है। तो इंडस एंड सतलज रिवर के बीच में जो है वो आ जाता है हमारा पंजाब हिमालयस, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट रेस्पेक्टिवली रीजनल कश्मीर एंड हिमाचल हिमालय। तो बहुत बार इसको कश्मीर हिमालयस भी बोला जाता है वेस्टर्न पार्ट में, और ईस्टर्न पार्ट में इसको हिमाचल हिमालय कहा जाता है, ठीक है। तो इंडस और सतलज, इंडस और सतलज के बीच में जो इंडस के ट्रिब्यूटरीज है ना, उसमें झेलम आ जाता है, चिनाब आ जाता है, रवि आ जाता है, ब्यास आ जाता है, एंड सतलज, ये सारे रिवर्स जो है इंडस के हैं, इंडस के ट्रिब्यूटरी है। तो ये सारे रिवर्स पंजाब हिमालयस में आ जाते हैं। फिर उसके बाद में हम लोग आ जाते हैं ईस्टर्न पार्ट में, आएंगे धीरे धीरे, तो ये हो जाए आएगा हमारा कुमाऊं हिमालयस, जो कि आपके मेनली उत्तराखंड से, उत्तराखंड वाले रीजन में है, और जो नॉर्दर्न मोस्ट या वेस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश है, ये रीजन में बेसिकली ये बिलोंग करता है कुमाऊं हिमालयस, ठीक है। द पार्ट ऑफ हिमालयस लाइंग बिटवीन द सतलज एंड काली रिवर, तो ये दो इंपॉर्टेंट कौन से रिवर है, तो सतलज एंड काली रिवर्स के बीच में आ जाता है कुमाऊं हिमालयस। फिर कुमाऊं हिमालयस के बाद में आ जाता है नेपाल हिमालयस, जो कि मेनली कौन दो रिवर के बीच में, तो काली एंड तिस्ता नदी, है ना। तिस्ता रिवर, बहुत जगह स्पेलिंग जो है आपको TEESTA भी मिल जाएगा, ठीक है। तो बोथ आर बेसिकली सेम। तो तिस्ता रिवर जो कि आपके वेस्ट बंगाल, नॉर्दर्न वेस्ट बंगाल के पार्ट में आ जाता है, तो ये आ जाता है नेपाल हिमालयस। और नेपाल हिमालयस के बाद में बेसिकली आता है वो है असम हिमालयस, द पार्ट लाइंग बिटवीन द तीस्ता एंड दिहांग रिवर। तो दिहांग रिवर जो है वो हमारा ईस्टर्न मोस्ट रिवर हो गया, है ना, ईस्टर्न मोस्ट रिवर ऑफ द हिमालयन रेंज। एंड जो वेस्टर्न मोस्ट जो रिवर हो गया वो हो गया हमारा इंडस और उसके ट्रिब्यूटरीज। दिहांग जो है बेसिकली वो ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। तो ये बहुत जगह में बुक में दिया होता है कि तीस्ता से ब्रह्मपुत्र रिवर, लेकिन एक्चुअल में दिहांग रिवर है, दिहांग रिवर जो है वह ब्रह्मपुत्र रिवर की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। तो ये चार हिस्सों में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं हिमालयस को ऑन द बेसिस फॉर रिवर वैलीज के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पूर्वांचल और ईस्टर्न हिल्स एंड माउंटेन्स, ठीक है। पूर्वांचल या बहुत जगह में पूर्वांचल भी कहा जाता है, ठीक है। तो पूर्वांचल जो है आप उससे कंफ्यूज मत कीजिएगा, जो कि ईस्टर्न यूपी और वेस्टर्न बिहार वाले रीजन है उसको भी पूर्वांचल कहा जाता है, लेकिन जो ईस्टर्न हिल्स एंड माउंटेन्स है, ठीक है, इसको मेनली कहा जाता है। द माउंटेन रेंजेस ऑफ ईस्टर्न इंडिया इट इज मार्क्ड बाय द ब्रह्मपुत्र, जैसा मैंने कहा, ठीक है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र जो है वो काफी बड़ी नदी है ना, और बहुत ज्यादा लोकप्रिय है। दिहांग रिवर के बारे में बहुत लोग नहीं जानते, इसीलिए नहीं बताया जाता। द मो द हिमालय बेंड शार्पली टू द साउथ एंड स्प्रेड अलोंग द ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ इंडिया आफ्टर दिहांग जॉर्ज, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ऐसे करके कुछ हिमालयन रेंज आता है, फिर जैसे ही अरुणाचल प्रदेश वाला दिहांग जॉर्ज आता है तो वो काफी ज्यादा साउथ टर्न ले लेता है, ऐसे ऐसे टर्न ले लेता है। तो ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है यही आ जाता है पूर्वांचल या ईस्टर्न हिल्स, ठीक है। तो ये भी एक एक्सटेंशन है ऑफ द
हिमालयन माउंटेन रेंजेस, ठीक है, ये भी उसी के आ जाते हैं। द हिमालयस बेंड शार्पली टू द साउथ, यही मैं कह रहा था, शार्पली टू द साउथ, पूरा लगभग 90 डिग्री टर्न ले लेता है एंड स्प्रेड अलोंग द ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ इंडिया, जो कि म्यांमार और चाइना वाले बॉर्डर लगते हैं, वहां से लग जाता है। दीज हिल्स रनिंग थ्रू द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, जो कि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ये सब में प्रेजेंट है एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ असम में है। मोस्टली कंपोज्ड ऑफ स्ट्रॉन्ग सैंडस्टोन विच अ सेडिमेंट्री रॉक, और यहाँ पर कौन से रॉक मिलते हैं, तो सैंडस्टोन्स मिलते हैं, ठीक है। तो ये देख सकते हैं कुछ ऐसे आपको पूर्वांचल और ईस्टर्न हिल्स में मिल जाएंगे। यहाँ पर काफी ज्यादा ग्रीनरी होती है, बायोडाइवर्सिटी रिच होता है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट रीजन है ये वाला, ठीक है, ईस्टर्न हिमालयस हमारा। यहाँ पर काफी ज्यादा आपको प्लांट के स्पीसीज, एनिमल्स के स्पीसीज मिल जाएंगे, ठीक है। तो बहुत सारे यहाँ पर सॉइल भी बहुत काफी फर्टाइल होता है। हिल्स आर कवर्ड विद डेंस फॉरेस्ट, यही मैं कह रहा था, बहुत बहुत डेंस फॉरेस्ट होता है। इट कंप्राइजेस द पटका हिल्स, द नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स एंड द मिजो हिल्स। तो ये सब क्या है, ये ईस्टर्न हिल्स के ही है पार्ट है, ठीक है। तो ईस्टर्न हिल्स में ही ये सारे आ जाते हैं, द पटका हिल्स, नागा हिल्स। पटका ही जो है बेसिकली अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, नागा हिल्स ऑब्वियसली नागालैंड, मणिपुर हिल्स मणिपुर में है एंड मिजो हिल मिजोरम में है। तो ये सारे आपको आपको मिल जाएंगे ईस्टर्न हिल्स या पूर्वांचल माउंटेन रेंजेस में, ठीक है। तो ये था हमारा हिमालयन इकोसिस्टम के बारे में। अब हम लोग दूसरा जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो आ जाता है नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में। दूसरा जो मेजर फिजियोलॉजिकल फिजिकल फीचर्स है वो है हमारा नॉर्दर्न प्लेन्स, ठीक है। तो द नॉर्दर्न प्लेन्स हैज बीन फॉर्म्ड बाय द इंटरप्ले ऑफ थ्री मेजर रिवर्स, और जो प्लेन्स ये बना है, ये इसके पीछे तीन इंपॉर्टेंट रिवर्स का कंट्रीब्यूशन रहा है, थ्री इंपॉर्टेंट रिवर सिस्टम का, और ये तीनों जो है वो हिमालयन रिवर सिस्टम से ही ये हिमालय से ही ओरिजिनेट होते हैं। एक होता है इंडस, इंडस मेजरली वो पाकिस्तान की तरफ चल जाता है कश्मीर होते हुए। फिर हम दूसरा इंपॉर्टेंट है वो है गंगा एंड तीसरा इंपॉर्टेंट है वो है ब्रह्मपुत्र, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ब्रह्मपुत्र तो हम लोग इंडिया में कहते हैं, इसको तिब्बत वाले रीजन में ब्रह्मपुत्र नदी का दूसरा नाम क्या है, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप जरूर, ठीक है। तो ये तीन इंपॉर्टेंट रिवर है और साथ ही साथ के इसके जो ट्रिब्यूटरीज है, ठीक है, इंडस के जो ट्रिब्यूटरीज है बेसिकली वो मैंने बताया, झेलम, चिनाब, सतलज, बियास, रवि। गंगा का भी बहुत सारा है, उसमें मेजरली जो है वो आ जाता है यमुना आ जाता है, सोन आ जाता है, गंडक आ जाता है, बहुत सारे आएंगे। ब्रह्मपुत्र में भी है दिहांग, सुबानसिरी रिवर, बहुत सारे लोहित, ये सारे रिवर्स क्या है, ये ट्रिब्यूटरीज है। तो ये आपको अगर एटलास बुक होगी तो सारे रिवर्स के एटलास में सब कुछ दिया होगा। तो और जो फर्दर वीडियो चैप्टर्स आएंगे रिवर्स वाले, उसमें भी मैं बताऊंगा, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं। इट इज फॉर्म्ड ऑफ एलुवियल सॉइल, काफी इंपॉर्टेंट फीचर है, जो नॉर्दर्न प्लेन्स है वो मोस्टली एलुवियल सॉइल रिच है। द वास्ट बेसिन लाइंग एट द फुट हिल्स ऑफ द हिमालयस डिपॉजिटेड बाय एलुवियम, और ये इन सब रिवर्स के वजह से ही एलुवियल सॉइल यहाँ पर आता है। एलुवियम आर बेसिकली व्हाट, फाइन पार्टिकल्स ऑफ सिल्ट एंड क्ले, फाइन पार्टिकल्स ऑफ सिल्ट एंड क्ले एंड लार्जर पार्टिकल्स ऑफ सैंड एंड ग्रेवल्स, ठीक है। और ये इसमें बहुत बहुत मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं ऐसे फॉर्म होने में। कुछ अगर फीचर्स देख लेते हैं तो एरिया जो है नॉर्दर्न प्लेन्स का वो लगभग 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर है इंडिया में। फिर लेंथ ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स जो है लगभग 2400 किलोमीटर है, ठीक है, आपके वेस्ट से लेकर ईस्ट तक। एंड ब्रेथ जो है वो आपके नॉर्थ साउथ जो विथ है वो 240 से लेकर 320 किलोमीटर के रेंज में ये वैरी करता है। तो ये बेसिक चीजें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है। नेक्स्ट जो है वो है हमारा कि ये बहुत ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड रीजन है ना। क्यों वो डेंसली पॉपुलेटेड रीजन, तो यहाँ पर एलुवियल सॉइल है। तो अगर एलुवियल सॉइल है जो कि बहुत ज्यादा फर्टाइल होता है, अगर फर्टाइल होगा तो काफी ज्यादा ये एग्रीकल्चरली प्रोडक्टिव रीजन है ना। तो एग्रीकल्चरली प्रोडक्टिव है और बहुत ज़्यादा क्या है, रिच सॉइल कवर, एडुकेट वाटर सप्लाई मिल जाते हैं, काफ़ी रिवर्स हैं, फेवरेबल क्लाइमेट है, बहुत ज़्यादा गर्मी ठंडी ऐसी नहीं होती है ज़्यादातर, ठीक है। तो इसी कारण से ये काफ़ी ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड होता है। तो क्वेश्चंस बनते हैं ऐसे कि वाई द प्लेन्स रीजन आर वेरी डेंसली पॉपुलेटेड इन इंडिया, इंडिया ही क्यों, सारे ही जितने भी कंट्रीज आप देख लीजिए वह डेंसली पॉपुलेटेड ही होते हैं, ठीक है। द रिवर्स कमिंग फ्रॉम द नॉर्दर्न माउंटेन्स ब्रॉट अ ह्यूज अमाउंट ऑफ इरोडेड सॉइल विच हेल्प इन द डिपोजिशनल वर्क, और क्योंकि रिवर्स में क्या होता है, आसपास में बहुत सारे
बड़े बड़े पत्थर भी होते हैं, तो पानी जब टकराता है इन पत्थरों से सो वो टूटते जाता है, और उसके कारण क्या होता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स बन जाते हैं जो कि सैंड पार्टिकल्स, सिल्ट पार्टिकल्स, वो धीरे धीरे वो आके वो डिपॉजिट होने लगते हैं नीचे, लोअर, जो लोअर कोर्स होता है, लोअर स्ट्रेच होता है, वहाँ पर आके वो डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, उसके साथ साथ फर्टाइल सिल्ट भी आने लगता है जो काफ़ी वही बन जाता है एलुवियल सॉयल। तो इन द लोअर कोर्स ड्यू टू जेंटल स्लोप द वेलोसिटी ऑफ रिवर डिक्रीजेस व्हिच रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ रिवराइन आइलैंड। जो अपर कोर्स है, अगर गंगा रिवर का देखा जाए, जो उत्तराखंड और वेस्टर्न यूपी वाला रीजन है, वो काफी ज्यादा वहां पर जो स्लोप है काफी ज्यादा तीखी स्लोप होती है। ठीक है, तो वहां पर पानी बहुत तेज फ्लो करता है, बहुत ज्यादा तेज फ्लो करता है। लेकिन अगर आप लोअर कोर्स में आएंगे, जो ईस्टर्न यूपी बिहार वाले रीजन में आएंगे, तो वहाँ पर देख सकते हैं वहाँ पर स्लोप जो है जेंटल हो जाता है। ठीक है, और वेलोसिटी ऑफ द रिवर डिक्रीज, स्पीड जो है वो डिक्रीज हो जाता है, तो इसी कारण से रिवराइन आइलैंड फॉर्मेशन होने लगता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिपोजिशन होने लगती है सैंड सिल्ट की। ठीक है, तो रिवराइन आइलैंड मतलब वो आइलैंड जो कि बेसिकली रिवर के कारण बना हुआ है, रिवर के डिपोजिशनल वो के कारण बना हुआ है। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रिवराइन, छोटे छोटे रिवराइन आइलैंड बनने लगते हैं। ये मान लीजिए एक रिवर है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिपोजिशन हो गया तो ये एक आइलैंड बन गया। तो ऐसे आप देखते होंगे, अगर आप यूपी बिहार झारखंड वाले रीजन में रहते होंगे तो ऐसे दिखता होगा। इवन आपका जो ब्रह्मपुत्र रिवर है, वहाँ पर जो सबसे बड़ा रिवराइन आइलैंड है माजुली आइलैंड, वो कितना बड़ा है ना, उसमें बहुत सारे आपको यूट्यूब पे वीडियोस भी मिल जाएंगे, तो उसके एग्जांपल भी है। एंड ऑल्सो इन द लोअर कोर्स रिवर स्प्लिट इनटू न्यूमरस चैनल्स ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सिल्ट नोन एज डिस्ट्रीब्यूटरीज। ठीक है, तो लोअर कोर्स में वही मैं बोल रहा था कि बहुत ज़्यादा डिपोजिशन भी होने लगता है इन लोअर कोर्स, रिवर स्प्लिट इनटू न्यूमरस चैनल्स, बहुत सारे अलग अलग चैनल्स बनने लगते हैं, और इसी के कारण क्या होता है, रिवर जो है मेन जो रिवर है वो टूटने लगता है। मान लीजिए ये रिवर है, बहुत ज़्यादा डिपोजिशन होने लग गया, तो कुछ रिवर टूट के ऐसे चला गया, कुछ टूट के ऐसे चला गया, ठीक है, कुछ ऐसे चला गया, तो जो रिवर से अलग हो रहे हैं और एक छोटा अलग रिवर बना ले रहे हैं, उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूटरी कहते हैं। और जो रिवर्स मेन रिवर को ज्वाइन करते हैं उसको हम लोग ट्रिब्यूटरी कहते हैं। तो जैसे गंगा का ट्रिब्यूटरी कौन है, तो यमुना है ना, क्योंकि वो मेन रिवर को ज्वाइन कर रहा है। लेकिन अगर डिस्ट्रीब्यूटरी की बात की जाए, तो हुगली नदी जैसे कोलकाता में है, वो क्या है, डिस्ट्रीब्यूटरी, वो गंगा से अलग हो रही है। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया होगा कि डिफरेंस बिटवीन ट्रिब्यूटरी एंड डिस्ट्रीब्यूटरी। ठीक है, तो बहुत बेसिक चीजें हैं ये सारे। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे द नॉर्दर्न प्लेन्स इज ब्रॉडली डिवाइडेड टू थ्री पार्ट्स। जैसे हिमालयन प्लेन के बारे में पढ़ा, नॉर्दर्न प्लेन्स भी तीन पार्ट में डिवाइडेड है। एक है हमारा पंजाब प्लेन्स। ठीक है, तो पंजाब प्लेन्स ऑब्वियसली द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन फॉर्म्ड बाय द इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। जो ट्रिब्यूटरीज वही है झेना, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास एंड सतलज, ओरिजिनेट इन द हिमालयस। ठीक है, तो ये इसी रिवर के कारण होता है। और पंजाब प्लेन जो है, जो मेजर पार्ट ऑफ द पंजाब रीजन है, वो पाकिस्तान में भी प्रेजेंट है। तो दो पंजाब है मेनली, एक पाकिस्तान वाला पंजाब और एक इंडिया वाला पंजाब। तो इंडिया वाला जो पंजाब है वो थोड़ा बहुत एरिया वाइज में छोटा है, पाकिस्तान वाला पंजाब काफ़ी बड़ा है। ठीक है, एरिया वाइज में, और ये दोनों पार्ट काफी ज्यादा एग्रीकल्चरली रिच है। ठीक है, पूरे पाकिस्तान का यही वाला सिर्फ पार्ट है जहां पर खेती बाड़ी एग्रीकल्चर होता है, काफी ज्यादा फर्टाइल है, बाकी पूरे पाकिस्तान में खेती बाड़ी उतना नहीं होता है। और इंडिया का पंजाब ऑब्वियसली आपको पता ही होगा, काफी ज्यादा खेती बाड़ी होता है। फिर साथ ही साथ में ये जो सेक्शन है पंजाब वाला रीजन, एज अ होल मैं बात कर रहा हूँ, इंडिया पाकिस्तान दोनों का ही, दिस सेक्शन ऑफ प्लेन इज डोमिनेटेड बाई दोआब्स। तो दोआब्स का मतलब क्या होता है, तो ये बेसिकली दो शब्दों से मिलकर बना है, दो मीन्स टू होता है। ठीक है, एंड आब मीन्स वट, रिवर। ठीक है, तो दो रिवर के बीच में जो रीजन होता है, लैंड रीजन होता है, मान लीजिए ये एक रिवर है और ये एक रिवर है, तो इसके बीच में जो ये रीजन है उसको मेनली के लिए दोआब कहा जाता है। ठीक है, और इसी तरह से पंजाब, पंजाब क्यों कहा जाता है, क्योंकि पंज मीन्स वट, फाइव, पंज मीन्स फाइव एंड आब मीन्स रिवर। तो यहाँ पर पांचों रिवर आपको मिल जाएंगे पूरे पंजाब वाले रीजन में, इंदस और इंदस की जो ट्रिब्यूटरीज है, झेलम, चिनाब, रवि, बियास एंड सतलज। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। फिर सेकंड हम लोग आ जाएंगे, वो है गंगा प्लेन। तो गंगा प्लेन जो है, इट एक्सटेंड बिटवीन घाघर, घाघरा भी बोलते हैं, घाघर एंड तीस्ता रिवर।
ठीक है, तो घाघर जो है वो बेसिकली वेस्टर्न यूपी वाले रीजन से है, एंड तीस्ता जो वेस्ट बंगाल, नॉर्दर्न वेस्ट बंगाल वाले पार्ट में है, स्प्रेड ओवर द स्टेट ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, पार्टली झारखंड एंड वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो इस रीजन में आ जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये भी काफ़ी ज़्यादा एग्रीकल्चरल रिच है। थर्ड जो इंपॉर्टेंट प्लेन एरिया है वो है हमारा ब्रह्मपुत्र रीजन, जो कि पूरे ईस्ट पार्ट में है गंगा प्लेन का, आपको मेनली असम वाले रीजन में ही ज़्यादातर मिलेगा। ठीक है, द नॉर्दर्न प्लेन इज नॉट अ फ्लैट लैंड। हम लोग को लगता है ना कि नॉर्दर्न प्लेन मतलब एकदम फ्लैट एरिया होगा, ऐसा कुछ नहीं है। फ्लैट तो है, लेकिन उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा इसमें डिफरेंट डिफरेंट रिलीफ फीचर्स भी आपको नोटिस करने मिलेगा। ठीक है, तो उस बेसिस पर देखा जाए तो नॉर्दर्न प्लेन्स कैन बी डिवाइडेड टू फोर फर्दर रीजन्स डिपेंडिंग ऑन द वेरिएशन ऑफ अदर रिलीफ फीचर्स। तो वो रिलीफ फीचर कौन कौन से हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चंस हमेशा आते हैं, तो इसको तो अच्छे से समझ लीजिए। तो चार जो रीजन है वो है, पहला है भाबर, ठीक है, भाबर या भाबर, द रिवर आफ्टर डिसेंडिंग द माउंटेन डिपॉजिट पेबल्स इन अ नैरो बेल्ट ऑफ 8 to 16 किलोमीटर इन विथ, लाइंग पैरेलल टू द स्लोप ऑफ शिवालिक्स। तो शिवालिक्स के जो रेंज है उसके पैरेलली एक रेंज आता है, उसको हम लोग भाबर कहते हैं। तो अगर आप ऋषिकेश वगैरह गए होंगे कभी, तो वहां पर आपको देखने मिल जाएंगे कि बड़े बड़े पत्थर के आपको ऐसे एक एक अलग सा नैरो बेल्ट नजर आने लगता है। ठीक है, तो ऋषिकेश हरिद्वार वाले रीजन में आपको ये सब विजिबल हो जाएगा। तो इसी रीजन को बेसिकली भाबर कहा जाता है। ऑल द स्ट्रीम्स डिजपियर इन द भाबर बेल्ट, तो सारे जितने भी स्ट्रीम्स है वो इसी रिवर में आके मिल जाते हैं। ठीक है, फिर भाबर के जो नीचे वाला एरिया होता है उसको हम लोग, और ये मेनली उत्तराखंड वाले रीजन में ही प्रेजेंट है, उत्तराखंड और वेस्टर्न यूपी में ही प्रेजेंट मिलेगा। ठीक है, कुछ हद तक आपको थोड़ा बहुत जो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल है, दार्जिलिंग के नीचे वाला एरिया, वहां पर भी थोड़ी बहुत दिखने मिल जाएगी। उसके बाद जो सेकेंड रीजन है वो है तराई रीजन, तराई क्षेत्र जिसको कहा जाता है, जो कि साउथ ऑफ द भाबर लगता है, भाबर के जस्ट नीचे वाला जो रीजन है, बेल्ट है। द स्ट्रीम्स रिवर री एमर्ज एंड क्रिएट अ वेट स्वाम्पी एंड मार्शी रीजन नोन एज तराई। तो थोड़ी बहुत ये दलदली एरिया होते हैं जहाँ पर पानी आके इकट्ठा होने लगती है, मार्शी एरिया होती है, और इसी के कारण क्योंकि पानी जमा रहता है तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्या होता है, फॉरेस्ट बहुत सारे यहाँ पर सिचुएटेड होते हैं, बहुत सारे वाइल्ड लाइफ आपको यहाँ पर नजर आ जाएंगे। तो जो यूपी में प्रेजेंट होते हैं जैसे दुधवा नेशनल पार्क, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, बिहार में देखा जाए तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व या वाल्मीकि नेशनल पार्क, फिर वेस्ट बंगाल में बक्सा टाइगर रिजर्व, ये सारे क्या है, ये सब तराई रीजन में ही आ जाते हैं। ठीक है, तो ये काफी ज्यादा थिकली फॉरेस्टेड रीजन प्रेजेंट होते हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट है ये रीजन, तराई रीजन। तो अगर आप बिहार से होंगे तो आपको बिहार का मैप पता होगा, तो ये बिहार का जो नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट होता है, नेपाल से जो सटा हुआ एरिया, पतला सा एक बेल्ट एरिया जो है, उसी को मेनली तराई क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, और ये कुछ हद तक वेस्ट बंगाल में और यूपी में भी प्रेजेंट है। ठीक है, नॉट जस्ट ओनली इन बिहार। फिर आ जाता है भाबर तेराई, और उसके नीचे आ जाता है भांगर। भांगर जो है सबसे लार्जेस्ट पार्ट ऑफ प्लेन एरिया है, पूरे इंडिया में देखा जाए तो भांगर जो है सबसे लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स है, एंड इज फॉर्म्ड बाय द ओल्डर एलुवियल, और ये जो है ओल्डर एलुवियल सॉइल से रिच होता है। ठीक है, इट लाइज अबव द फ्लड प्लेन्स, फ्लड प्लेन्स के आगे मतलब ऊपर लगता है ऑफ द रिवर, एंड आर प्रेजेंट अ टेरेस लाइक फीचर्स। दिस पार्ट आर नोन एज भांगर, एंड द सॉयल इन दिस रीजन कंटेन्स कैल्करस डिपॉजिट, लोकली नोन एज कांकर। तो कैल्करस डिपॉजिट कैल्शियम कार्बोनेट का कंपोजिशन जो है ज्यादातर होता है इसमें, और ये ओल्डर एल्यूवियम होता है। ठीक है, तो ये भी फर्टाइल होता है और इसको लोकली भाषा में कंकर कहा जाता है। फिर इसके नीचे जो रीजन आ जाता है उसको खादर कहा जाता है, ये जो होता है इसको हम लोग यंगर एलुवियम कहा जाता है, ये काफी यंगर एलुवियम से रिच होता है, और ये मेनली द न्यूअर यंगर डिपॉजिट ऑफ फ्लड प्लेन्स आर कॉल्ड बेसिकली खादर, दे आर रिन्यूड ऑलमोस्ट एवरी ईयर, क्योंकि पानी जब भी आता है ये फ्लड प्लेन्स एरिया में प्रेजेंट होता है ना, तो जब भी पानी फ्रेश पानी आएगा तो ये पुराना वाला एलुवियम सॉइल दह जाएगा और नया एलुवियम आएगा। तो ये इसीलिए क्या होता है, काफी ज्यादा फर्टाइल होता है, क्योंकि इसकी फर्टिलिटी हर साल चेंज होते रहती है ना, लेकिन भांगर जो है फर्टिलिटी के बाद में कहा जाए तो ये थोड़ी फर्टिलिटी कम होती है, लेकिन दोनों ही सॉइल काफी इंपॉर्टेंट है, दोनों ही सॉइल में बहुत सारे अलग अलग क्रॉप्स ग्रो करते हैं। तो दिस इज आइडियल, दिस खादर रीजन इज वेरी वेरी आइडियल फॉर इंटेंसिव एग्रीकल्चर। ठीक
ठीक है, तो बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर के लिए फेवरेबल होता है ये दोनों ही रीजन, लेकिन सबसे ज्यादा खादर रीजन होता है। तो ये पार्ट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है नॉर्दर्न प्लेन्स का, तो इसको बहुत अच्छे से समझिएगा, और अगर नहीं समझ आएगा तो दोबारा से वीडियो देखिए, फिर भी नहीं समझ आया तो कमेंट पर बॉक्स में जो भी डाउट है आप पूछ सकते हैं, मैं उसको जरूर से जरूर ठीक करूंगा। तो ये हो गया हमारा नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में। अब आ जाते हैं हम लोग इस वीडियो का आखिरी और तीसरा, हम लोग का मेजर जो फिजिकल फीचर्स है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो तीसरा है हमारा पेनिनसुलर प्लेटू। तो सबसे पहले दो शब्द से मिलकर बने पेनिनसुला एंड प्लेटू। तो पेनिनसुला किसे कहते हैं? पेनिनसुला वो लैंड मास एरिया है जो कि तीनों साइड से, बेसिकली वो ट्रायंगुलर लैंड मास है जो तीनों साइड से रिवर से होते हैं, रिवर या सी से ढक होते हैं। तो जैसे कि ये इंडिया का जो ये ला पार्ट है, ये बेसिकली क्या है, ये तीनों साइड से अरेबियन सी, बिया बंगाल और इंडियन ओशन, तीनों पार्ट से ही ओशन सी वाटर बॉडी से जुड़े हुए हैं, ठीक है। और प्लेटू जो होते हैं वो टेबल लैंड होता है, एक तरह से टेबल टॉप स्ट्रक्चर होता है, कुछ इस तरह से प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये समझ आ गया होगा। तो पेनिनसुला प्लेटू इज अ टेबल लैंड कंपोज्ड ऑफ ओल्ड क्रिस्टलाइन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक, क्योंकि इसकी जो ओरिजिन होती है वो वोल्केनिक ओरिजिन होती है, ठीक है। तो इसीलिए ये काफी ज्यादा इग्नियस मेटामॉर्फिक रॉक से रिच है। इट वॉज फॉर्म ड्यू टू द ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग ऑफ द गुंडवाना लैंड। तो मैंने जैसे बताया गुंडवाना लैंड से ही ये अलग होकर ये टकरा रहा था इंडिया जो यूरेशियन लैंड है ना। द प्लेटू आर ब्रॉड एंड शैलो वैलीज एंड राउंडेड हिल्स, ठीक है। तो प्लेटू जो होते हैं काफी ब्रॉड होते हैं, शैलो वैलीज होती है, मतलब इसकी वैलीज जो होती है वो यू शेप की होती है, इसका स्लोप जो होता है काफी ज्यादा जेंटल होता है, ठीक है, जेंटल होता है जो, और हिल्स भी होती है वो काफी ज्यादा राउंडेड होती है, ठीक है, ऐसे करके ऐसे राउंडेड होती है। लेकिन जो हिमालयन रेंज में जो हिल्स होती है वो काफी ज्यादा पॉइंटेड होती है, ऐसे करके होती है, कौन से अप्रोच होती है, लेकिन यहाँ पर कुछ हद तक राउंडेड आपको हिल्स मिल जाएंगे, हाइट ऑब्वियसली कमी होगी। तो प्लेटू भी है दो ब्रॉड डिवीजन में डिवाइडेड है, ठीक है, एक है सेंट्रल हाईलैंड एंड सेकेंड इज डेकन प्लेटू। तो सेंट्रल हाईलैंड जो है आपको, जैसे ही नॉर्दर्न प्लेन मान लेते हैं यहाँ तक खत्म हो गया, ठीक है, नॉर्दर्न प्लेन यहाँ तक खत्म हो गया और इधर में आ गया हमारा डेजर्ट एरिया, ठीक है, डेजर्ट एरिया, ये कच्छ वाला एरिया। तो ये वाला जो पार्ट है, कुछ पार्ट ऑफ राजस्थान का, कुछ पार्ट ऑफ गुजरात, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश का तो पूरा ही पार्ट है, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, कुछ पार्ट ऑफ यूपी, ये सारा जो पार्ट है ये आ जाता है हमारा सेंट्रल हाईलैंड में आ जाता है, ठीक है। तो सेंट्रल हाईलैंड इट लाइज नॉर्थ ऑफ द नर्मदा रिवर, नर्मदा रिवर यहाँ पर देख सकते हैं, तो इसका नॉर्थ में सारा आ जाता है हमारा सेंट्रल हाईलैंड, कवरिंग ए मेजर एरिया मालवा प्लेटू, ठीक है। तो ये मालवा प्लेटू है, बहुत सारे और भी छोटा नागपुर प्लेटू, ये सब सेंट्रल हाईलैंड में ही आ जाता है, ठीक है। और जो सेकंड पार्ट है वो है डेकन प्लेटू, जस्ट इसके नीचे आप देख सकते हैं, ये जो नीचे वाला पार्ट है वो हमारा डेकन प्लेटू वाला रीजन है। तो द विंध्याचल, द विंध्यान रेंज इज बाउंड बाय द सेंट्रल हाईलैंड ऑन द साउथ एंड द अरावलीज ऑन द नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। तो विंध्याचल जो रेंज है वो साउथ में है, इधर में हमारा अरावलीज है जो नॉर्थ वेस्ट है, ठीक है, इधर में हमारा छोटा नागपुर प्लेटू आ जाता है और इधर में ये प्लेन वाला रीजन है। तो ये हमारा सेंट्रल हाईलैंड वाला रीजन है, ठीक है। द फर्दर वेस्टवर्ड एक्सटेंशन ग्रेजुअली मर्जेस विद द सैंडी रॉक डेजर्ट ऑफ राजस्थान, ये जो वेस्टर्न पार्ट है ये थार डेजर्ट से लग जाता है। और इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट रिवर प्रेजेंट है सेंट्रल हाईलैंड में, काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो एरिया है बहुत ज्यादा बारिश नहीं होती है, तो ये रिवर्स जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चंबल, सिंध, केन, बेतवा, ये सारे रिवर्स आपको, पन्ना, ये सब मिल जाएंगे। द सेंट्रल हाईलैंड आर वाइडर इन द वेस्ट बट नैरो इन द ईस्ट, तो ये यही बोल रहा था, जो वेस्टर्न पार्ट है वो काफी ज्यादा वाइडर है, ब्रॉडर है, लेकिन ईस्टर्न पार्ट जो है नैरोअर है। द ईस्टर्न मोस्ट एक्सटेंशन ऑफ दिस प्लेटू आर लोकली नोन एज बुंदेलखंड एंड बघेलखंड रीजन। तो जो यूपी का जो पार्ट है, वेस्टर्न ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूपी और सदर्न ईस्टर्न पार्ट बोला जाए, ये जो बेसिकली झारखंड और छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश वाले रीजन से जो जुड़ा हुआ होता है उसको बुंदेलखंड या बघेलखंड रीजन कहा जाता है, ठीक है। ये जो एरिया है मैं बता देता हूँ, ये वाला जो पार्ट है ये बेसिकली आ जाता है बुंदेलखंड वाले रीजन में, ठीक है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है यहाँ पर नॉर्दर्न प्लेन्स में मिल जाएगा, जस्ट उत्तराखंड के नीचे, उसको रोहिलखंड रीजन भी कहा जाता है। तो बहुत
बार में पता नहीं होता रोहिलखंड रीजन कौन सा है, तो जस्ट वेस्टर्न यूपी वाला जो रीजन है ना, जो जस्ट उत्तराखंड के नीचे है, ये भी नॉर्दर्न प्लेन्स में ही आता है, ठीक है। तो ये सेंट्रल एंड द छोटा नागपुर प्लेटू मार्क्स द फर्दर ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ड्रेन बाय द दामोदर रिवर, ठीक है। तो ये छोटा नागपुर प्लेटू जैसे मैंने बताया, तो ये हमारा सेंट्रल हाईलैंड के कुछ फीचर्स थे। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ लेंगे वो है डेकन प्लेटू के बारे में। तो डेकन प्लेटू जो है वो ट्रायंगुलर लैंडमास है दैट लाइज साउथ ऑफ द रिवर नर्मदा, द सतपुरा रेंज, ठीक है। द सतपुरा रेंज बॉर्डर्स ब्रॉड बेस ऑन द नॉर्थ, तो नॉर्थ में बेसिकली सतपुरा रेंज है, ठीक है, जो नर्मदा का ही साउदर्न मास्ट पार्ट है। फिर वाइल द महादेव कैमूर एंड मयकाल रेंज इन द ईस्टर्न एक्सटेंट, और इस साइड में आपको बहुत सारे रेंज मिल जाएगा, महादेव कैमूर हिल्स एंड द मयकाल रेंज, ठीक है। इट इज हायर इन द वेस्ट एंड स्लोप्स जेंटली ईस्टवर्ड, ठीक है। तो इसका जो हाइट जो है ज्यादातर वेस्ट में है, एंड ईस्टर्न पार्ट में जो स्लोप है वो काफी ज्यादा डेंस है, मतलब स्लोपी है, लेस स्लोपी है, ठीक है। एन एक्सटेंशन ऑफ द डेकन प्लेटू इज ऑल्सो विजिबल इन द नॉर्थ ईस्ट ऑल्सो, तो नॉर्थ ईस्ट में भी आपको डेकन प्लेटू का ही एक्सटेंशन मिल जाएगा, वो आपको मेघालय कार्बी एंगलोंग प्लेटू एंड नॉर्थ कचार हिल्स, जो कि बेसिकली मेघालय तो पता ही होगा, नॉर्थ कचार एंड कार्बी एंगलोंग जो प्लेटू है असम में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो असम में भी ये रीजन होगा। तो इट इज सेपरेटेड बाई अ फॉल्ट फ्रॉम द छोटा नागपुर प्लेटू, तो यही जो ये वाला रीजन है कार्बी एंगलोंग, ये सब डेकन प्लेटू का ही एक एक्सटेंशन है, ठीक है, लेकिन वो छोटा नागपुर प्लेटू के आ जाने से वो अलग हो जाता है। थ्री प्रोमिनेंट हिल रेंजेस जो है वो आपके मेघालय में कौन कौन से हैं, वेस्ट से ईस्ट में, तो वो है गारो द खासी एंड द जैंतिया, ये सब बेसिकली ट्राइब्स के ही नाम है, गारो ट्राइब्स खासी ट्राइब्स एंड जैंतिया हिल्स, ठीक है। तो वेस्ट टू ईस्ट बहुत बार 1 मार्क्स क्वेश्चन में आता है। डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ द पेनिनसुला प्लेटू जो है वो है ब्लैक सॉइल एरिया नोन एज डेकन ट्रैप, क्योंकि ये वोल्केनिक ओरिजिन से है, काफी पुराना है ना, दिस रॉक्स आर इग्नियस, है ना, और ये काफी ज्यादा डेन्यूडेड होते हैं, बार बार टूटते हैं, बनते हैं ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स, तो इसीलिए ये ब्लैक सॉइल है, ठीक है। और साथ ही साथ में ये जो सॉइल है काफी ज्यादा मिनरल रिच होते हैं, बहुत सारे मिनरल्स आयरन कॉपर गोल्ड सिल्वर आपको इस वाले रीजन में मिल जाएंगे, बहुत सारे माइनिंग के जो जोन है आपको इस डेकन ट्रैप में ही मिलेगा, ठीक है। द वेस्टर्न एंड द ईस्टर्न घास्ट मार्क द वेस्टर्न एंड द ईस्टर्न एजेस ऑफ द डेकन प्लेटू, तो ईस्टर्न एंड द वेस्टर्न घाट इसके बारे में हम लोग पढ़ लेंगे, यही हमारा लास्ट टॉपिक है इस वीडियो में। तो ये जो है ये वेस्टर्न घाट वाला पार्ट है और ये हमारा ईस्टर्न घाट वाला पार्ट है, ठीक है। तो वेस्टर्न घाट जो है मार्क्स द वेस्टर्न एज ऑफ द डेकन प्लेटू, ठीक है, और वेस्टर्न घाट जो है बेसिकली तापी रिवर से शुरू होता है, जो कि ये गुजरात में प्रेजेंट है, तो गुजरात के साउथ से लेकर आपके महाराष्ट्र गोवा फिर कर्नाटका केरला, ये सारे स्टेट्स जो है इसमें आपका वेस्टर्न घाट्स यहाँ पर लग जाता है, ठीक है। और जो ईस्टर्न घाट है मार्क्स द एज ऑफ द डेकन प्लेटू, ईस्टर्न एज ऑफ द डेकन प्लेटू, और ये महानदी रिवर जो आपके ओडिशा में प्रेजेंट है, वहां से लेकर नीलगिरी हिल्स जो कि तमिलनाडु केरला वाले रीजन है वहां तक ये प्रेजेंट होता है। वेस्टर्न घाट जो काफी ज्यादा कंटिन्यूअस है, दे कैन क्रॉस्ड ओनली थ्रू पासेस ओनली, वो काफी कंटिन्यूअस है, जैसे थाल भोर पास पाल घाट्स ये सारे घाट्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ईस्टर्न घाट जो है वो उतना कंटिन्यूअस नहीं है, डिसकंटिन्यूअस है, इरेगुलर है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर रिवर्स जो है वो ब्रेक कर देते हैं, इसीलिए यहाँ पर बहुत सारे आपको कृष्णा कावेरी गोदावरी महानदी ये सारे क्या है ईस्ट में ही फ्लो करते हैं, तो ये रिवर्स ब्रेक कर देते हैं, ठीक है। तो रिवर्स बे ऑफ बंगाल में जाकर गिर जाते हैं, तो काफी ज्यादा डिसकंटिन्यूअस होते हैं। इसके जो एवरेज हाइट है ये काफी हायर होता है, 900 से 1600 मीटर्स, बट वेस्टर्न घाट के कंपैरिजन में ईस्टर्न घाट की हाइट जो है काफी छोटी होती है, 600 मीटर एवरेज हाइट है। जो वेस्टर्न घाट है ये काफी ज्यादा एक रेंज इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ बहुत सारे रिवर्स है, गोदावरी कृष्णा कावेरी ये सारे वेस्टर्न घाट से ही ओरिजिनेट होता है, और ये क्यों होता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर इट एक्सपीरियंसेस ओरोग्राफिक रेन, ठीक है। तो ओरोग्राफिक रेन मीन्स जब समर मॉनसून होता है, जो वेस्ट बियरिंग मॉनसून विंड होता है जब इन पहाड़ों से टकराते हैं, ठीक है, तो जो जिस साइड में आपका ज्यादा मतलब ये तो मान लीजिए पहाड़ है, तो यहाँ पर जो मॉइस्ट विंड है ये टकराएगा, तो इस साइड में काफी ज्यादा बारिश होता है ना, तो
और ये बेसिकली समर्स में होता है, तो इसी को ओरोग्राफिक रेन कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश होता है, तो यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ मेजर रिवर भी है, गोदावरी, कृष्णा कावेरी। लेकिन यहाँ पर जो रेनफॉल होता है ईस्टर्न पार्ट में, ये विंटर सीजन में होता है। जनरली यही देखा गया है, आप देखते होंगे कि चेन्नई साइड में ज़्यादातर बारिश विंटर्स में होता है। फ्लड भी आप अगर गौर किए होंगे, चेन्नई में जो फ्लड आया था वो विंटर्स में आता है। तो ये जो है बिकॉज नॉर्थ ईस्टर्न मानसून्स के कारण यहाँ पर रेनफॉल होती है। ठीक है, तो ये विंटर्स में ज़्यादातर दिखा जाता है। फिर हाइट ऑफ द वेस्टर्न घाट जो है वो प्रोग्रेसिवली इंक्रीजिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, नॉर्थ में तो उतना हाईएस्ट पीक नहीं मिलेगा, लेकिन सदर्न पार्ट में आपको बहुत सारे हाईएस्ट पीक मिल जाएंगे, जैसे कि अनाईमुदी। ठीक है, फिर डोडा बेटा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रेंजेस हैं। तो यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा ठंड पड़ती है, ऐसा नहीं है, ये जो रेंजेस हैं यहाँ पर भी अच्छी खासी ठंड हो जाती है। फिर महेंद्रगिरी जो है वो हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट है। फिर बहुत सारे शिवरॉय हिल्स, जवादी हिल्स, ये सारे ईस्टर्न घाट में प्रेजेंट है। जो ऊटी वाले हिल स्टेशन है, काफ़ी ज़्यादा हिल स्टेशन आपको ईस्टर्न घाट में मिल जाएंगे। तो ये घूमने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा वाइल्ड लाइफ रिच होते हैं, दोनों ही जो वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट होते हैं बहुत ज़्यादा रिच होते हैं। जो ईस्टर्न घाट के जो रिवर्स होते हैं वो डेल्टा फॉर्मेशन करते हैं, लेकिन ईस्टर्न साइड में बहुत वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर तो बहुत कम ही है। एक नर्मदा और तापी ही ऐसे दो रिवर्स हैं जो वेस्ट के तरफ फ्लो करते हैं, बाकी सारे ईस्ट के तरफ फ्लो करते हैं। तो ये कुछ कुछ डिफरेंसेस है बिटवीन द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट। तो इस तरह से हम लोग तीन इंपॉर्टेंट फिजिकल मेजर फिजियोग्राफिक रीजन्स के बारे में पढ़ चुके हैं, जिसमें हम लोग ने हिमालयन, नॉर्दर्न प्लेन्स एंड पेनिनसुलर प्लेटू को डिस्कस कर चुके हैं। जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें डेजर्ट्स, आइलैंड, कोस्टल रीजन, ये सब कुछ हम लोग उस पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो सेकंड पार्ट को भी जरूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिएगा। कोई डाउट हो, सजेशंस हो, तो कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। शेयर एंड सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए तो जरूर से जरूर कीजिएगा। आप इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं मुझसे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन बाय बाय, जय हिंद।